हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आज हम बना रहे हैं 3 मिल्क चॉकलेट केक। ये केक बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आता है। और 3 मिल्क के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो चॉकलेट स्पंज चाहिए। हमारे चैनल पर बहुत सारी चॉकलेट स्पंज की वीडियोज़ अपलोड हैं, आप वो देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। इजी रेसिपी है। और यहाँ देखिए आप, चॉकलेट केक कितना अच्छा सॉफ्ट बेक हुआ है। इसी तरह आप हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करके सॉफ्ट केक बेक कर सकते हैं। तो यहाँ केक को हमने डीमोल्ड कर लिया, बटर पेपर हटा दिए। अब हम केक को ऊपर से लेवल में कट कर लेंगे। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। लाइक शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस से जो नए सीखने वाले हैं उनकी हेल्प हो सके। तो यहाँ केक को सोक करने के लिए 3 तरह के मिल्क और ऑल पर क्रीम चाहिए। इन चारों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में हम मिक्स कर लेंगे। अगर केक छोटा है तो आप कम ले सकते हैं, अगर बड़ा है तो आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ जग में हमने सारी चीज़ें 100 100 ग्राम ले ली हैं। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इस मिक्स किए हुए दूध को हम फ्रिज में रख देंगे मज़ीद ठंडा होने के लिए। तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे क्योंकि ऑल पर क्रीम थोड़ी थिक होती है, तो उसके लम्स ना बन जाए, इसलिए अच्छी तरह मिक्स करना ज़रूरी है। तो यहाँ जिस पैन में हमने केक को बेक किया था, केक को वापस उसी पैन में डाल लेंगे। स्कीवर से हम अच्छी तरह पोक कर लेंगे ताकि केक सोक हो सके अच्छा। और यहाँ अब हम दूध को थोड़ा थोड़ा करके केक के ऊपर डालेंगे, केक अच्छी तरह सोक हो जाए। पहली बार दूध डाला है और वेट किया है, उसके बाद सेकेंड बार और फिर अब थर्ड बार। और इस केक को हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए, ताकि ऊपर हम जब व्हिप क्रीम की फ्रॉस्टिंग करें तो बड़ी अच्छी सी फ्रॉस्टिंग सेट हो। केक मोल्ड के ऊपर केक बोर्ड रखेंगे, केक को टर्न करेंगे इस तरह। और यहाँ हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता पैन से केक को निकालेंगे। अगर हम जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे तो केक टूट सकता है, क्योंकि मिल्क से जब केक को सोक किया तो केक बहुत सॉफ्ट हो जाता है और फूल जाता है। तो यहाँ थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ा सा पेशेंस से हमें केक को बाहर निकालना है पैन से। अब हम चॉकलेट क्रीम रेडी की हुई है, उससे केक को कवर करेंगे। आपकी मर्जी है, आप वाइट चॉकलेट से केक को कवर कर सकते हैं या चॉकलेट क्रीम से कवर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। पूरे केक को कवर कर लेंगे चॉकलेट क्रीम से। तो आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर कुछ आप जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो इनबॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिए। सॉफ्ट स्क्रैपर से केक को नीट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर केक का काम करने के लिए टर्न टेबल होना ज़रूरी है। अच्छा वाला टर्न टेबल ले लें, एक ही दफ़ा ख़र्चा करें और अच्छी चीज़ ले लें। टर्न टेबल के बग़ैर केक का काम किया नहीं जाता। केक को हमने फाइनल फ्रॉस्टिंग कर ली है। अब हम केक को वापस आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि क्रीम अच्छी तरह सेट हो जाए। अब केक के ऊपर चॉकलेट सिरप लगाएंगे। अगर चॉकलेट सिरप थिक हो तो आप उसको हल्का गरम करके फिर केक के ऊपर अप्लाई करें।
पैलेट नाइफ से घुमा लेंगे और साइड्स पर सॉफ्ट स्क्रैपर से सेट कर लेंगे चॉकलेट सिरप को। चॉकलेट सिरप की रेसिपी वीडियो पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। बहुत शाइनी सिरप बनता है, केक बहुत खूबसूरत लगता है। अब यहाँ पर हम ओरियो बिस्किट ले लेंगे, उनके अंदर से चॉकलेट क्रीम अलग कर लेंगे और बिस्किट का चूरा बनाकर इस तरह हम केक के चारों तरफ लगा देंगे। बोर्ड के ऊपर डालेंगे और हल्के हल्के हाथ से केक के ऊपर लगाएंगे और खूबसूरत सा केक रेडी हो जाएगा। अब पैलेट नाइफ के साथ हम क्रम्स को सेट करेंगे इस तरह। सारे क्रम्स इस तरह सेट हो जाएंगे। जब केक को डिलीवर करेंगे तो फिर क्रम्स अपनी जगह सेट होंगे, वो गिरेंगे नहीं। तो बोर्ड को भी साफ कर लेंगे। इस तरह तो केक हमारा रेडी है। कैसा लगा आपको हमारा ये केक? और ऊपर हैप्पी बर्थडे का टैग भी लगा देंगे। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।